हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रवि पटेल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चैनल के अंदर फिर से एक और बार आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम ये वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं क्रूड ऑयल के वीकली व्यू के बारे में। अगर आपने हमारा जो वीडियो था लास्ट वीक के अंदर जो मैंने पोस्ट किया था वो अगर देखा हो तो आपको पता होगा कि 60.75 का जो लेवल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट था उसके लिए। और अगर आपने ये वीक का जो लो ऑब्जर्व किया हो तो लगभग उसके आसपास ही है, 60.62 के आसपास जो आप देख सकते हो, 60.62, 60.63, मतलब जो हमने आपको लो पॉइंट बताया था वो वहाँ से उसने एक सपोर्ट लिया, थोड़ा सा नीचे गया लेकिन उसने क्लोजिंग नहीं दिया। मैंने उसके अंदर क्लियरली बताया था, आई सेड दैट इन प्रीवियस वीडियो, 60.75 इज ए इम्पोर्टेंट लेवल फॉर द क्लोजिंग बेसिस फॉर प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल, ओके, विच इज नॉट ब्रोकन बाय क्रूड। एंड देन आफ्टर यू कैन सी अ वेरी गुड रैली, एंड दिस रैली कैन एक्सटेंड अप टू 64। आई वॉज ऑल्सो सेड दैट द 63.25 इज अ वेरी इम्पोर्टेंट लेवल फॉर द क्रूड। इफ दिस लेवल कैन ब्रेक देन यू कैन वेरी स्पीडली मोमेंट इन क्रूड अप टू 64 to 65 लेवल, ओके। तो ये तो हमने बात कर ली लास्ट जो वीडियो था उसके रिव्यू के बारे में। अब हम उसके आने वाले वीक के अंदर जो है वो उसके क्या सपोर्ट रहेंगे, क्या टारगेट रहेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। तो जो उसका पहला जो सपोर्ट, जैसा कि अभी मैं जो चार्ट पे रीड कर पा रहा हूँ, वो सपोर्ट जो मुझे लग रहा है वो लगभग 62.75। फ्रेंड्स, ये वाला जो लेवल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये वाला जो लेवल है वो अगर इसने ब्रेक कर दिया, 62.75 का लेवल जो है वो अगर इसने ब्रेक कर दिया तो आप जो है वो उसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन और देख सकते हो। और ये जो करेक्शन है वो लगभग 62.35 के लेवल तक जो है वो जा सकता है। और नेक्स्ट जो उसका टारगेट है वो है 61.75। दिस इज द फाइनल फॉर द क्रूड ऑयल। अगर ये वाला जो लेवल है वो ब्रेक हो गया, इफ दिस लेवल कैन ब्रेक देन यू कैन सी अ वेरी गुड मोमेंट इन डाउन साइड। मोमेंट तो मिलेगी इस बार लेकिन डाउन साइड में, अगर ये वाला जो लेवल है वो ब्रेक हुआ तो 61.75 का मतलब यहाँ से जो है वो बाउंस हो सकता है, होने को चांसेस इसके ज़्यादा है कि 62.75 के लेवल से जो है वो बाउंस हो सकता है, ओके फ्रेंड्स। फिर भी आपको ये जो है वो ध्यान में रखना है, अगर ये वाला जो लेवल है उसने ब्रेक कर दिया 61.75 तो वो जो है वो 61.40 तक जो है वो जा सकता है, ठीक है, ओके फ्रेंड्स। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द टारगेट प्राइस फॉर द क्रूड ऑयल। सो एज यू सीन इन द स्क्रीन, द नंबर वन टारगेट फॉर द क्रूड इज 64.50 लेवल, ओके। नेक्स्ट टारगेट इज ए 64.90 लेवल, एंड थर्ड एंड फाइनल टारगेट इज अ 65.50। दिस इज द वेरी इम्पोर्टेंट लेवल फॉर द प्राइज ऑफ क्रूड। इफ दिस लेवल कैन break and sustain and closing above this level, then you can see a very good movement up to 65.80 to 66.25. again I repeat my words, if 65.50 level is broken and sustain closing above this level by price of crude, then you can see a 65.80 to 66.25 level, matlab aap iske andar jo hai wo 66 के जो है वो टारगेट जो है वो देख सकते हो, ओके। अगर ये वाला जो लेवल है वो आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो जो आप जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा। और अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मैं आपको हर वीक के अंदर जो है वो कॉमोडिटी और करेंसी के साथ साथ हम निफ्टी बैंक निफ्टी के जो है वीकली व्यू है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये सारे जो व्यू है वो मेरे पर्सनल है फ्रेंड्स, चार्ट के बेसिस पर है, मैं आपको कोई बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, ओके फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।